गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कंसंट्रेशन सांद्रता के बारे में पढ़ा था कि सांद्रता को हम कैसे डिफाइन करते हैं। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें मैंने आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताया था। तो कंसंट्रेशन में आपको तीन टर्म में बता चुकी हूँ कौन सी परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज वी बाय वी एंड मोलारिटी, ठीक है, कि ये होती क्या है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मैलिटी, सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए हम नॉर्मैलिटी को भी यूज करते हैं। नॉर्मैलिटी को हम कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं। व्हाट डज इट मीन? नॉर्मैलिटी मीन्स यदि हमें किसी भी सब्सटेंस की नॉर्मैलिटी निकालनी है तो नॉर्मैलिटी का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वन लीटर सॉल्यूशन, वन लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेजेंटेड इन लीटर। यानी नॉर्मैलिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इससे पहले जब हमने मोलारिटी पढ़ा था तो मोलारिटी में हमने क्या पढ़ा था? मोलारिटी को हमने कैपिटल एम से बताया था, उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वन लीटर सॉल्यूशन पढ़ा था। यानी सबसे पहले हमें फॉर्मूले को समझना होगा कि सॉल्यूशन में कितने भी लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को फोल्ड कर हमने लिख लिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट को निकालने का तरीका होता है क्या? सबसे पहले क्या निकालिए, ये मैंने किस चीज का बताया? ये मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूं इक्विवेलेंट वेट को, इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन वैलेंस, वैलेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए एनजी प्लस टू लिखा हुआ है, एनिमल कोई आयन दिया हुआ है एनजी प्लस टू, इसका इक्विवेलेंट वेट आपसे बोल रहा है, क्योंकि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर आएगा, ये काम काम आएगा, यहाँ पर काम आएगा। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का मोलर मास पता होना चाहिए 24 होगा, वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी यहाँ पर लिखी हुई है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 12 हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए मैग्नीशियम की जगह HCl होता और वो कहता है HCl का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो, तो कैसे करते? सिंपल, HCl का सबसे पहले मोलर मास निकालते, मोलर मास कितना हो जाएगा 35.5 क्लोरीन का, हाइड्रोजन का 36.5। अब यहां पर बैलेंसी तो टाइप कर दी, तो वैसे तो बैलेंसी यदि हमें आता है तब तो हम देख लेंगे बैलेंसी, लेकिन HCl क्या है? HCl है एक एसिड, ठीक है। तो एसिड की जब भी हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो किससे निकालते हैं? बेस से। एसिड का इक्विवेलेंट वेट यदि हमें निकालना है तो हम किससे निकालेंगे? मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, कितने हाइड्रोजन को हम हटा सकते हैं, हम एक को ही हटा सकते हैं, तो क्या होगा? ये इक्विवेलेंट वेट, यदि बेस होगा तो हम क्या लिखते हैं? मोलर मास अपॉन
देखिए एनएच का निकालने का क्या तरीका है, एनए का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया मोलर मास 40 डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब बेस है, बेस है एनएओएच के, तो आपने 10 में पढ़ा बेस क्या होता है एसिड का, लेकिन इसमें ओएच कितने हैं 1, तो ओएच 1 के लिए रिप्लेस हो सकता है, ये क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जब हम नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन उसने किस तरीके से पूछा है, यदि वो आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दे रहा है तो उसकी वैल्यू रख के सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड कर दो, लेकिन यदि उसने आपको ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिया फॉर एग्जाम्पल और उसने आपको क्या दिया गिवन मास दिया, समझ में आ रहा है, तो यदि वो आपको गिवन मास दे रहा है इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाउंड आउट करने का तरीका है कि हमें इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट तीन टाइप के क्वेश्चन आपके कोर्स में है, या तो वो आपको कोई आयन देगा, या तो आपको एसिड देगा, या तो वो आपको बेस देगा। तो हम मैंने तीनों फॉर्मूले बताए आपको, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी से निकाल सकते हैं, यदि एसिड दिया हुआ है तो हम बेसिसिटी से निकाल सकते हैं, बेसिसिटी का मतलब आप लिख सकते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहां पर रिप्लेसेबल OH, ठीक है, इनसे हम निकाल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम नॉर्मलिटी को करेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9.8 ग्राम H2SO4 इज डिसॉल्व डिसॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन, फाइंड आउट, क्वेश्चन दिया है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को 250 ml सॉल्यूशन में घोला गया है, तो आप नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करिए। तो नॉर्मलिटी को आप कैसे, अब आप देखिए क्वेश्चन में नॉर्मलिटी पूछा है इसका मतलब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाइए, लेकिन यहां पर आप देखिए उसने आपको क्या दिया है ग्राम दिया है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो अभी इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ग्राम दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या था गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे अब इस टाइम पर कैपिटल एन के लिए। गिवन मास कितना दिया हुआ है 9.8 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट अब आप कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए अब आप देखिए सबसे पहले अभी आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है मोलर मास, तो H2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा 2 + 17 = 32 यानी टोटल हो गया 98 मोलर मास आ गया आपके पास H2SO4 का। अब आपको सबको पता है कि H2SO4 क्या है एसिड, और यदि एसिड होता है हम क्या लगाते हैं बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। तो कितने का भाग लगाएंगे आप बेसिसिटी का मतलब इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं 2, कितना हो गया इक्विवेलेंट वेट 49 × 1/250 ml। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लीटर में लेंगे, ये ml में दिया हुआ है तो देखिए
वॉल्यूम ऑफ 1 kg सॉल्वेंट. मोलैरिटी को स्मॉल एम से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल निकालना आपको आता है. अब वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये चीज डिफरेंट है, यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट भी कैसा है, केजी में. ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यदि आपको दिया हुआ है कि 2 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर. 200 ग्राम ऑफ वाटर फाइंड स्मॉल एम. स्मॉल एम पूछा है, इसका मतलब मोलारिटी पूछा है. सबसे पहले आप देखेंगे क्या क्या चीजें NaOH को बोला है उसने पानी में. कल ही बताया था NaOH क्या होता है, सॉल्यूट और जिसमें घोला जाता है, इन्हें जो सब्सटेंस इज डिसॉल्वड इन सॉल्वेंट. ठीक है, निकालिए. सबसे पहले स्मॉल एम का फॉर्मूला यूज करेंगे. अब यहाँ पर तो मोल होना चाहिए, यहाँ पर सही ग्राम दिया है, तो मोल कैसे जाएगा, ह्यूमन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है, मोल हो गया ये हमारे पास. ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 kg सॉल्वेंट. केजी में सॉल्वेंट पूछा हुआ, उसने आपको किसमें दिया हुआ है, ग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे आप. ठीक है, देखिए कितनी मोलैरिटी आ गई, 0.25 m मोलैरिटी आ गई. समझ में आ रहा है कैसे किया हमने क्वेश्चन को. क्वेश्चन में उसने आपको ग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले आप मोल बनाएंगे, मोल के बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम उसने आपको 200 दिया हुआ है, 200